स्वात्मा विधिरक्षयान् प्राश्रभोगान् सविष्टान् पश्चाचन्यान् समतिभवान् ज्योतिषाश्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरीक्षणे स्वात्मनि स्थापयित्वा तो ये जो है जागृत अवस्था इसी प्रकार से स्वप्न अवस्था इसी प्रकार से सुषुप्त अवस्था को वर्णन करने के बाद फिर जो है तुरीय अवस्था को वर्णन करती है ये सब का निषेध करती है। ये सब मतलब जिस वस्तु को जहाँ दिखाई दे रहा है वहीं उसका निषेध हो रहा है, मतलब ये कोई पारमार्थिक वस्तु नहीं है, प्राकृतिक वस्तु। अब उसके ऊपर मांडव को कार्यकर्ता ने अच्छी तरह से समझा दिया कि माया निद्रा में जब तक हम लोग सोए नहीं, प्रबंध मतलब क्या होता है, जगना। जगना मतलब क्या है, जो वस्तु जैसा है उसको उसी रूप में ही देखना, ये हमारे जगना है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, जब तक हम इस माया निद्रा में मतलब अज्ञान और अन्नथाग्रहण अवग्रहण और अन्नथाग्रहण इसके माध्यम से व्यवहार करते रहेंगे तब तक हम माया निद्रा में सोए हुए हैं। ये अन्नथाग्रहण को हम स्वप्न बोलते हैं और अग्रहण का निद्रा बोलते हैं। अन्नथाग्रहण होते स्वप्न निद्रा तत्व अजानत विपर्याशे तयोच्छीने, ये जो दोनों विपरीत ग्रहण है इन दोनों का जब क्षय हो जाते हैं तो तूर्यम पदमस्त तब जाकर के वो अधिष्ठान तत्व रूपी निर्विश तत्व बोध में आता है। ये कब तक ये हम देखते रहेंगे, तब आते हैं बुद्धि माया सुप्त जरा जीव प्रबुद्धते अजम अनिद्रम स्वप्नवद्वैतम बुद्धते। अनादि माया निद्रा में सोया हुआ जीव जब तक इस प्रकार अवग्रहण के अंदर रहेगा, अन्न संग्रहण होता रहेगा, तब तक उसका तुरीय की प्रति जागृति नहीं होगी। इस समय ये मतलब तुरीय की प्रति जाग जाएंगे तब अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम बुद्धते, जन्म रहित मैं जो है कार्यकरण भाव से रहित एक अखंड व्याप पूर्ण तत्व ऐसा बोध में आता है। अब इतना कथन करने के बाद मतलब उत्तम अधिकारी और मध्यम अधिकारी के लिए तो शास्त्र रास्ता खोल दिया, परंतु बिल्कुल सामान्य अधम अधिकारी नहीं बोलेंगे, बिल्कुल सामान्य अधिकारी उनके लिए भी रास्ता है, उनके लिए भी रास्ता है। तब क्या बोला था कि हमारा जो पाद है, तीन पाद है, जागृत स्वप्न सुषुप्त जो आत्मा की पाद है और ओंकार, क्योंकि उसी से शुरू हुआ तो ओंकार मतलब परमात्मा की प्रतीक, ओंकार की जो है तीन मात्रा बोला गया है। परमात्मा का भी तीन मात्रा है, क्या क्या तीन मात्रा है, परमात्मा परमात्मा के लक्षण करते हुए रूपों के लक्षण करते हुए एक हो गया आपका सच्चिदानंद जो कि स्वरूप लक्षण, और तटस्थ लक्षण जन्मादस्य जन्म, मतलब क्या सृष्टि स्थिति लय जिससे होता है, सृष्टि स्थिति लय जिसके कारण हो रहा है, ये आदि मतलब सृष्टि और आदि उन आदि तो सामान्य, फिर उ मतलब स्थिति स्थिति म बंद हो जाता है लय, ये अउमा जो ओंकार जो परमात्मा की प्रतीक है, ये अउमा में क्या छुपा हुआ है, सृष्टि स्थिति लय छुपा हुआ। महाराज तीन जो है सच्चिदानंद में पहला वाला सच्चिदानंद, द्वितीय है जन्मादश्रय मतलब ये सृष्टि स्थिति लय, अतिष्ठ इसलिए का आवश्यकता नहीं है, द्वैत लक्षण होता है, मतलब एक स्वरूप लक्षण एक तटस्थ लक्षण
है ना। और जब ये जो परमात्मा के प्रति क्या ओंकार माना गया है, ओंकार के तीन मात्रा है अ उ और म, ये अ उ और म से क्या कहना चाहते हैं, सुष्ट स्थिति, ये इसका परमात्मा के लक्षण हो गया। अब हमारे यहाँ पे पहले हमारा जागृत अवस्था में बैठ करके हमको परमात्मा का अनुभव करना है। आप उपासना का सहारा लिया आपने, तो आप हमको क्या है जागृत, जो हमारा जागृत अवस्था है यही जो परमात्मा की अकाल मतलब दो हेतु दिया था, आदिमत्व और व्याप्त आपति और आदिमत्व, ठीक है ना। सबसे आदि होने के कारण, सृष्टि का मूल तत्व होने के कारण, ये तो फर्स्ट एक, दूसरा क्या है वही व्यापक है, समझ में। आप उपासना करना है आपको हमारी इस जागृत अवस्था में बैठ करके, हमारी जो स्थूल मतलब अभिमानी चेतन, स्थूल शरीर अभिमानी चेतन, जागृत अभिमानी चेतन, जागृत अभिमानी चेतन के साथ परमात्मा की प्रथम पाद के अकार उसके साथ आपको एकत्र के चिंतन करना है। तो कौन कौन दो समानता दिया था, आदित्य और आपतिमत्व, वो कहाँ अभिव्यक्त होगा, वो अभिव्यक्त कहाँ पे होगा, जागृत में तो अभिव्यक्त होगा। तो आपके अंदर जब आप परमात्मा को जिस गुण से चिंतन करेंगे वो गुण आपके अंदर अभिव्यक्त होगा, वो यहाँ विद्यमान है। ये जो ये मुख्य चीज है, मतलब मैं ही जगत की आदि सृष्टि मूल कारण हूँ और मैं ही असंग व्यापक हूँ, एक दोनों बोलो आदित्य और व्यक्तित्व, यहाँ तक फैलो उपासना हो। ये अलग नहीं है, इसी को करते हुए मुझ में सारा स्थिति है, मैं सबको समान रूप से सत्ता स्फूर्ति प्रदान करता हूँ, क्योंकि यही तो उकार मतलब परमात्मा सभी को सत्ता स्फूर्ति प्रदान करते हैं और असंग भी रहते हैं, यही तो परमात्मा की सेकेंड क्वालिटी है। उकार में ही दिखाया गया उत्कृष्टता सामान्य, उत्कृष्टता क्या है, किसी से किसी चीज की अपेक्षा नहीं रखते हुए सबको मदद करना, इसके बाद उत्कृष्टता क्या हो सकता। उभयत्व मतलब अच्छा सृष्टि बुरा सृष्टि, चेतन सृष्टि जड़ सृष्टि, सभी एक ही चीज होता है, एक ही होता है। और बाकी लोग एक लोग व्यवहार के फल वहां तोड़ा था, इस प्रकार चिंतन करने वाले के साथ रहने वाले व्यक्ति को भी परमात्मा चिंतन करते हैं, मतलब उसके मर्म में ना सब ब्रह्मविद खुले भरे, आपने जो कुछ पढ़ चाह रहा स्वतंत्र रूप से आप विचार करने हैं, आपको अभिप्राय कि हमको स्थिति में पहुँचना है, ठीक है हम उत्तम अधिकारी नहीं है, मध्यम अथवा सामान्य तो हो सकते हैं, तो हम वहाँ पहुँचने के लिए कहाँ पे प्रयास करना पड़ेगा, कैसे प्रयास करना पड़ेगा, ठीक है। अब थर्ड में अभी आप रहे हैं, थर्ड क्या है सुषुप्ति स्थान, ध्यान रखना है सुषुप्ति स्थान में तो सोया हुआ है, परंतु हम जाग करके सोना है, हमको सोया क्या हो जाएगा सबका निषेध करना, जगते हुए का निषेध हो जाए वो आपकी सुषुप्ति हो जाए, तो आपकी जो स्थिति होती है वो आनंदमय स्थिति होती है। इसलिए बोलते हैं मिते, अब मंत्र को पढ़ लिए थे एक बार दोबारा सब मिल के पढ़ते हैं, दशम मिल के दोबारा पढ़ते हैं, ग्यारहवां मंत्र, ठीक है। सुषुप्त स्थान स्थान वाला जो प्राग मतलब सुषुप्त स्थान अभिमानी चेतन जो प्राग है ना, उसको मकार जो ओंकार की तृतीय मात्रा है उसका मकार के साथ आपको एकत्र चिंतन करना है। मकार मतलब क्या है, कैसे एकत्र चिंतन करेंगे, बोलते हैं मिते अपितेर्वा, मिति मतलब मापना, मापना मतलब क्या है, आप जागृत काल में बैठ करके आप अपनी सुषुप्ति को विचार करिए, फिर सुषुप्ति में जो भी जिस प्रकार से वासना का बीज रहता है, वासना का बीज जैसे रहता है तद अनुकूल होकर स्वप्न अवस्था, तद अनुकूल होकर जागृत अवस्था। मापना क्या हो गया, एक जगह पे बीज रूप में है और मैं हूँ, एक जगह पे बीज के साथ अपना आइडेंटिफिकेशन आ रहा है, कल्पना करके अब सब्जेक्टिव मन मन के साथ मिल करके आप सारा वासनात्मक जगत को देख रहे हैं, और थर्ड में आकर के सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बोध, मैं भी हूँ और भारात्मक जगत भी है, भारात्मक जगत भी है, ठीक है ना। ये मापना हो, ये मापना हो, कैसे हाउ कैन यू मेजर योर सेल्फ, मिते अपिते वा, मतलब ये बीज में ही हर चीज बना रहता है, एक बीज को देख करके अब जैसे पेड़ उगने लगता है तो हम वहां से निर्णय करते हैं, इस बीज के अंदर सारा चीज छुपा हुआ था, एक वृक्ष के अंदर फल फूल पत्ता डाली कांड शाखा सब कुछ उस बीज में अंदर छुपा हुआ है, ये मापना है, यही मापना हो, यानी कि ये जो सुषुप्ति अवस्था अब समष्टि में क्या हो जाएगा, अव्यक्त अवस्था,
अव्रकित मतलब क्या, सारा चीज उस बीज अवस्था में, ठीक है ना। अब इसलिए होता है मिते, मतलब यहीं से आप उसको मेजर कर सकते हैं। और फिर अपितेरवा, क्योंकि वो बाद में इसी में लय प्राप्त करता है, क्योंकि जहाँ से उद्भूत होता है वहीं पे लय प्राप्त करता है। हमारे कार्यकरण तंत्र है, वस्तु जहाँ से आता है वहीं से लय प्राप्त करता है। इस अवस्था में बोलते अपिते मितेर अपितेरवा। अब क्या हो जाएगा, इसके इस प्रकार उपासना करने का फल क्या हो जाएगा, मिनोती अवैधगम सर्व, मतलब जगत की यथार्थता को समझ लेते हैं, माप लेते हैं। मतलब क्या हो जाएगा, जो इस प्रकार उपासना करते रहेगा धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जगत की यथार्थता को समझ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, अपितिश्च सारा जगत अपने मिनोती को, मतलब माप लेता है। मिते मिति वो उस माँ धातु से ही बना हुआ है, मिति मतलब मिति शब्द का षष्ठी एक वचन है, मिते मापने के कारण, पंचमी वचन मापने के कारण जिसमें मापा जाता है। तो क्या हो जाएगा, आप सारा संसार को माप लेंगे, माप लेंगे मतलब क्या हो जाएगा, संसार की यथार्थता को समझ जाएगा। यही मापना होगा, फिर जब यथार्थ को समझने में संसार जाएगा कहाँ, इट विल डिसॉल्व इन योर सेल्फ। अपीति अपीति मतलब राय, अपीति मतलब राय होता है, अपी पूर्व यदि कमार्थ धातु है उसका लय अर्थ होता है। तो क्या हो जाएगा, सृष्टि पूरा व्यापक, तो क्या हो जाएगा, पूरा सृष्टि जब अपने में लय होगा तो क्या बचेगा, व्यापक अधिष्ठान रूपी में ये उपासना करते हुए आप वहाँ पहुँच जाएंगे। और बाहरी फल नहीं देखना, ये उपासना के माध्यम से हम वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। यहाँ पे बोल रहे हैं सुषुप्त स्थान प्राज्ञ मकार, अब देखना इसके बाद कालिकाकार क्या खोलेंगे, सुधिमा का भी अर्थ कालिकाकार कितना सुंदर इसको पढ़े कैसे, वट टू डू, तो सुषुप्त स्थान प्राज्ञ मकार तृतीया मात्रा मितेर अपितेरवा, मापा जाता है इसमें लय प्राप्त करते हैं, जो इस प्रकार चिंतन करते हैं वो भी क्या होता है, संसार की वस्तु की यथार्थता को माप लेते हैं, समझ जाते हैं, और होता है उसका फलस्वरूप क्या होता है, सारा सृष्टि उसी में लय प्राप्त करते हैं। मैं ही व्यापक अदृष्ट नहीं हुआ जो एवं भेद, जो इस प्रकार उपासना करते हैं जानते हैं। हर जगह पर जो तीन जगह पे भेद शब्द आया हुआ है, अब भेद मतलब ज्ञान नहीं है, उपासना ही है। इसलिए बोलते हैं ओंकार आत्मन तागात्म भेद, क्या जानते हैं, ओंकार मेरा स्वरूप है, परमात्मा के साथ अपने तादात्मता को धीरे धीरे उपासना के माध्यम से समझ जाता है, ठीक है। योग मूल श्रुति की अर्थ अब आइए देखते हैं। हाँ, तृतीय पाद श्रुति का कहा, तृतीय पाद से तुरीय मात्रेयस्य एकत्वम उपनिषदि, तृतीय पाद हो गया अज्ञान उपहित चेतन, तृतीय पाद में हमारे बेष्टि अज्ञान उपहित चेतन, और समष्टि में क्या हो जाएगा, माया उपहित चेतन, समष्टि अज्ञान अविद्या उपहित चेतन, ठीक है ना। ये दोनों में एक, चेतन तो एक ही है, कपड़ा तो एक ही है, चाहे आप उसका ऊपर चित्र बना करके अलग अलग दिखो, कपड़ा तो वही है। इसीलिए आप बोल रहे हैं सुषुप्ति इसका तुरीय तृतीय पाद से तृतीय मात्रा, या तृतीय पाद और तृतीय मात्रा में एकत्व है, उसके आप अभी शुरू करते हो उपनिषदि। सुषुप्त स्थान प्राज्ञ मकार तृतीय मात्रा, पूर्ववत एकत्र प्रयोजकम अत्रापि प्रश्न पूर्वकम उपवर्णयन्ति, यमन फिर सुषुप्त स्थान प्राज्ञ च, सुषुप्त स्थान अभिमानी चेतन जिसको प्राज्ञ शब्द के द्वारा कहा जाता है, प्रसिद्धि पहले कथ करता है, स मकार वही जो है ओंकार की मकार रूपी मात्रा है, ओंकारस्य तृतीया मात्रा, ओंकार की तृतीय मात्रा है। ये जो आप इसके साथ इसके समानता दिखा रहे हो, इस समानता के पीछे हेतु क्या है, या किस समानता को लेकर के आप बोल रहे हैं, किस समानता को लेकर क्या बोलते हैं, क्योंकि सुषुप्ति काल में जागृत और स्वप्न की जो भी व्यवहार है सब क्या होता है, उसमें लय प्राप्त कर देते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता, बंधु जगते हैं फिर उनसे निकलता भी है। इसी प्रकार जो परमात्मा की जो प्रलयकारी रूप है उसमें पूरा सृष्टि अपने में लय करते हैं और फिर उनसे भी उत्पत्ति भी होती है। इसलिए मकान और प्राज्ञ की एकत्व सिद्ध होता है। इसी कभी बोलते हैं केन सामान्य न पूछा, किस समानता के कारण आप ये प्राज्ञ और मकार की मतलब आत्मा की तृतीय मात्रा और पाग और ओंकार की तृतीय मात्रा इन दोनों के एक एक रूपता कैसे बोल रहे हैं, किस समानता को लेकर के आप बोल रहे हैं। केन सामान्य ने इतिहास सामान्यम इदम अत्र, यहाँ पे जो समानता है वो ये है, सामान्यम इदम अत्र, अत्र मतलब यहाँ पे इदम मतलब ये समानता है, क्या समानता है, मिते मिति मानम, ठीक है ना, मिते शब्द का अर्थ है मिति मापना, मापना मियते इव, अब देखिए बोलते हैं मापता है जैसा, इन दोनों को मापता है, कौन मापता है, मियते इव, इसलिए वो कर लगे भगवान जी विश्वत यशो प्राज्ञेन, प्राज्ञ के द्वारा विश्व अर्थ यश मापा जाता है, मियते
मियेते इव ही विश्व तैजसो प्राज्ञेना है ना, ऐसे प्रयोग किए इसलिए विश्व तैजस यहाँ पे प्रथमाधिवचन है, प्रथमाधिवचन है विश्वस्य तैजस्य विश्व तैजसो प्राज्ञेना, प्राज्ञ के द्वारा मतलब क्या है, हम आगे ये बीज ही हमारी आगे व्यवहार के लिए कारण बनता है कि नहीं, मापा जाता है। कैसे मापा जाता है, बीज के अंदर जो वस्तु है वही अभिव्यक्त हो, जैसे जैसे भाषण का तदनुगुण अभिव्यक्त होगा। यद मीयते इव ही विश्व तेजसो प्राज्ञेना, जिस प्रकार से प्रलय उत्पत्ति हो प्रवेश निर्गमाभ्याम प्रस्थेन इव जवा, देखिए प्रथम आपको विश्व तेजस को प्राज्ञ के द्वारा दिखा है, उसके बाद मकार जो आपका ईश्वर है, ईश्वर में क्या होता है सृष्टि और प्रलय काल, प्रलय में उसमें लय प्राप्त करता है, सृष्टि वहीं से उत्पत्ति होती है, इसलिए बोलते हैं प्रलय उत्पत्ति हो, प्रलय उत्पत्ति काल में प्रवेश निर्गमनाभ्याम, प्रलय के समय क्या होता है प्रवेश कर जाता है, प्रलय काल में प्रवेश होता है और उत्पत्ति काल में निर्गमन होता है, बाहर बाहर आता है, कहाँ से जहाँ पे बीज होगा जहाँ पे मूल कारण होगा वहीं से बाहर आता है। अब दृष्टांत दिया, प्रस्थेन इव जवहा, पहले जमाने में जैसे आजकल दुकान में जा करके आप बोलते हैं मेरे को एक किलो दाल दे दो, एक किलो चावल दे दो, वो कोई एक लोहे का वस्तु रखते हैं, कोई ईटा पर पूरा नहीं रखते हैं, तब उनका रूप माप दे करके आपको अपना मतलब होता है एक किलो, एक मेजरिंग यूनिट। पहले जमाने में ऐसा कोई लोहे का वो नहीं था, ये पात्र होता था, वो बना अभी बना हुआ चीज, पहले इसे व्यवहार होता था, विनिमय द्रव्य विनिमय में करता था, मैं आपको इतना दिया आप मेरे किस माप को दे दो, जिसके द्वारा इसको मापा जाता था उसको बोलते हैं प्रस्थ, प्रस्थ प्रस्थ मतलब जिसके द्वारा मैं प्रतिष्ठ रूपेण स्थित, मतलब इसी इस माप को ही मान लिया, प्रस्थर माने पात्र, प्रस्थर मतलब होता है प्राध्यान, प्रस्थर नहीं बोला है प्रस्थ, प्रस्थ और प्रस्थेन इव, इस प्रकार एक पात्र का नाम हो गया, उसमें जैसा जिस वस्तु को आप मापते हैं वो अंदर जाता है बाहर भी आता है, आपने चावल माप के देना है तो क्या हो जाएगा उस बर्तन में, अभी भी बेंगलोर की तरफ मैं देखा मुड़मुड़ा आदि बेच जाए ना वो किसी एक डब्बा में लेकर उस माप को उतना दे रहे हैं इतना 10 रुपये है, कहीं कहीं ऐसा प्रचलन है, तो क्या होता है कि उसके अंदर जाता है फिर वहीं से बाहर निकालते हैं, ये हमको दिखा ठीक इसी प्रकार का जितना जागृत स्वप्न में हमने जो भी कुछ अनुभव किया सुषुप्त में अंदर चला गया फिर वो बाहर आता है, ठीक इसी प्रकार प्रलय काल में ईश्वर में सारा सृष्टि हमारे प्राप्त करता है फिर उत्पत्ति काल में बाहर आता है, इस प्रकार से सुषुप्ति के साथ मतलब प्राग्ञ मतलब अज्ञान उपहित चिंतन के साथ ईश्वर की जो है एक रूपता के चिंतन, एक रूपता के चिंतन, इस प्रकार से पूरा के पूरा ओंकार की जो उपासना या तीन अलग अलग उपासना प्रतीति हो गई, मतलब तीन अलग अलग उपासना नहीं है, तीनों मिल करके एक उपासना, तीनों मिल करके पूरा के पूरा ओंकार की उपासना। यहाँ पे ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि मीतेर मितिर मान मीयते इव ही विश्व तेजसो प्राज्ञेन, मापा जाता है विश्व तेजस को प्राज्ञ के द्वारा, वहाँ पे कोमा लगाने से अच्छा हो गया, ये हो गया आपका प्राज्ञ को समझाने के लिए। फिर प्रलय उत्पत्ति और प्रवेश निर्गमनाभ्याम, प्रलय उत्पत्ति में प्रवेश निर्गमन के माध्यम से जैसे ईश्वर से सब बाहर आता है अंदर जाता है, दृष्टांत किया दिया प्रस्थेन इव जवा, ठीक है ना, जिन दिनों में एकत्र दिखाना है उसको पहले बताया फिर दृष्टांत बताया समझाया। अब ठीक इसी प्रकार से तथा ओंकार समाप्तो पुनर्प्रयोगे च प्रविश्य निर्गच्छत इव अकार उकारो मकारे, अब जब ओंकार के उच्चारण करते हैं ओम तो क्या हो रहा है कि जब एक के बाद एक उच्चारण करेंगे तो लगता है कि अ और उ मकार में लय प्राप्त किया और मकार से निकाल कर आ रहा है, अ और उ म में लय प्राप्त किया और मकार से निकाल के आ रहा है। और ओंकार के साधन में बोला कि ओंकार दो प्रकार के रूपात्मक एक नामात्मक, रूपात्मक अंदर में चिंतन किया और नामात्मक रूप में जब उच्चारण करेंगे आप उसको तो क्या होता है कि शब्दात्मक है, शब्दात्मक। तो यहाँ पे क्या बोला तथा ओंकार समाप्त, इस प्रकार से ओंकार जब ओंकार की एक जब पूरा उच्चारण समाप्त होगा तब क्या होगा वो समाप्त हो पुनर्प्रयोग, जब आप फिर दोबारा प्रयोग करेंगे लगातार ओ ऐसा बोलते जाएंगे अब तब क्या हो जाएगा प्रविश्य निर्गच्छत इव, प्रवेश करके फिर बाहर आ रहा है जैसा कौन अकार रुका कहाँ पे मकार में, मकार में प्रवेश करके फिर बाहर आ रहा है जैसा, इस प्रकार आप क्या हो गया मतलब क्या हो गया ये जीव का जो पाथ है
तो तीन पाद में जैसे आपका जागृत कालीन जो भी वासना है, जागृत कालीन जो बाहरी वस्तु और वासना है, अंत सुप्त काल में जो वासना है, ये सब जैसे सुषुप्ति में अपना अज्ञान अवस्था में लाइव प्राप्त किया, फिर जब जागते हैं तो वैसे निकल करके आते हैं। इसलिए यहाँ पे कि प्राज्ञ और मकार की एक रूपता दिखाया गया है, ठीक है ना। वहाँ से हो गया आपका ये मिते, ये हो गया मापना, वहाँ से निकाल के आना बोल रहे हैं। अब मैं दूसरा मापना क्या बोला था आपको कि मापना मतलब क्या गया कि आप जब जागृत में बैठ करके चिंतन करेंगे तब क्या हो जाएगा, मतलब आपका सुषुप्त जिस प्रकार सुषुप्ति अवस्था में स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के साथ तादात्म्यता नहीं है, इसी प्रकार जागृत में बैठ करके धीरे धीरे स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर से तादात्म्यता, मतलब आप देखिए जब आपको स्थूल और सूक्ष्म शरीर के फंक्शन देखने लग जाएंगे तो वो दृश्य आ जाएगा, तो मैं भ्रष्ट उससे भिन्न हूँ, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है कि आप सुषुप्ति में हमारे अंदर क्या क्या बीज है, क्या वासना है, वो आपको उस समय उतना क्योंकि अलग कर दे। जैसे ही फिर आप माइंड लेवल में आएंगे, सूक्ष्म शरीर में आ जाएंगे, तब आप क्या हो जाएगा सब्जेक्टिव, तो अहंकार के साथ जुड़ गया, परिच्छिन्न अहंकार के साथ जुड़ करके आपका वासना भी व्यक्त होने लग जाएगा, वासना भी व्यक्त होने लग जाएगा। थर्ड स्टेप में आकर के क्या हो जाएगा, और थोड़ा सा जरा आगे और जागृत में ही अभ्यास करिए, एक बार इधर आइए एक बार इधर जाइए, तब क्या हो जाएगा आपको उसके साथ बाहरी वस्तु सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव बोथ दोनों आपके सामने आ जाएगा। फिर उसको लाया करते रहिए, पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, मतलब समस्त विषय मुझ में, फिर परिच्छिन्न सब्जेक्ट को व्यापक सब्जेक्ट में, परिच्छिन्न अहंकार को पूर्णता में, इस प्रकार से अभ्यास करते रहने से क्या हो जाएगा कि ओंकार उपासना का ये मापना हो जाएगा। अपी तेर बाप अथवा जो लय प्राप्त करते हैं, मतलब अपि पूर्व इन का तो धातु का दिया अर्थ अपय बोलते हैं, वहाँ पे जो है ये इसका होता है लय अर्थ होता है, अपि दीर अपय मतलब एक ही भाव, ये दृष्ट में थी, क्योंकि काल जो लय प्राप्त कहाँ का प्राप्त करेगा अपने काल में ही लय प्राप्त, तो क्या हो जाएगा अपने में ही सब लय प्राप्त कर जाएगा, मतलब क्या हो गया मैं ही सब का अधिष्ठान, ये ईश्वर के साथ एकत्रित अनुभूति हो जाएगा। इसलिए अपि दीर अपय एक ही भाव। अब देखिए यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ तक तो आ गया, ओंकार उच्चारणे अंते अक्षरे एकी भूतो इव अकारो उकारो, ठीक है ना, क्योंकि आपने क्या बोला जैसे अकार उकार मकार में जाकर के लय प्राप्त किया, लय प्राप्त मतलब क्या हो गया जैसे वहाँ पे जाकर के अकार उकार अपनी सत्ता को छोड़कर के मकार रूपी हो गया, फिर वैसे निकल के आएगा, क्योंकि वेदांतिक सिद्धांत के अनुसार कार्य जब कारण में लय प्राप्त करता है तो कारण रूपी हो जाता है, कार्य रूप में ही रहता है, हमारे यहाँ पे तो कार्य रूप कहीं बदलता ही नहीं है, रज्जु में जब सर्प जब रज्जु में लय प्राप्त करता है तो रज्जु रूप ही रहता है, हमेशा रज्जु रूप ही रज्जु से अगला अलग कभी आ ही नहीं। इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं ओंकार उच्चारण, ओंकार की उच्चारण करते हुए अंते अक्षर, अंत अक्षर क्या मकार, उस मकार में अंते अक्षर उसको अगर नहीं पढ़ेंगे तो अर्थ नहीं लगा पाएगा, यहाँ पे एक अंत है वहाँ पे है ना सप्तमी अंत है, अंते अक्षरे एक ही भूतो इव एक हो गया जैसा कौन अकार उकारो, अकारो उकारो एक ही भूतो इव अकार उकार क्या एक हो गया जैसा उस अंतिम अक्षर में, इसीलिए उसको अपीति बोलते हैं, मतलब प्रलय स्थान, अपीति मतलब प्रलय स्थान। तथा ठीक इसी प्रकार से विश्व तैलसो सुषुप्ति काले राज्ञे एक ही भूतो, ठीक है ना, ठीक इसी प्रकार से विश्व तैयस मतलब जागृत में अभिमान करने वाला चेतन, फिर सूक्ष्म शरीर में अभिमान करने वाला चेतन, वो क्या होता है चेतना तक हो जाता है क्या उस स्थान से अभिमान कर, तो बोले इतना ही है वो आइडेंटिफिकेशन था स्थूल शरीर के साथ, वो आइडेंटिफिकेशन धीरे धीरे हटाने का होता है, इसीलिए बोलते हैं तथा विश्व तेजस सुषुप्ति काले, सुषुप्ति काल में क्या होता है प्राज्ञ में प्राज्ञावस्था में एक ही भूत वहाँ पर जाकर के एक भाव को प्राप्त करते हैं, मतलब धीरे धीरे अभ्यास करते करते आइडेंटिफिकेशन छूट जाता है, व्यवहार की आवश्यकता है फिर आ जाते हैं भाई, फिर लय प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से आगे बोलेंगे चला चरण के तस्य जति यांत्रिक, इस प्रकार कभी चर निकेतन कभी अचर निकेतन, चर निकेतन हो गया स्थूल सूक्ष्म शरीर, अचर निकेतन हो गया अपना शरीर, यदि यांत्रिक को भरो सन्यासी जिस प्रकार से चाहे उस प्रकार से कोई फर्क नहीं होगा। इसलिए बोलते हैं तथा विश्व तैजसो सुषुप्ति काले प्राज्ञ एक ही भूतो अतो वा सामान्य एकत्व प्राज्ञ मकार, इस कारण से भी दोनों प्रकार की समानता के
इस अथवा विकल्प से अथवा इस कारण इस प्रकार इस समानता के कारण प्राण और मकार में एकत्र प्राण को मकार हो एकत्र प्राण और मकार इन दोनों का एकत्र क्यों इस समानता का क्या तो अपनी दीर्घ स्थान इस प्रकार हो गया समानता के पीछे हेतु लिखा गया इस प्रकार जानने का फल क्या इस प्रकार जानने का उपासना का फल क्या विद्वत फलम अहम इस प्रकार उपासना के फल को कहते हैं मिनोति हवा इदम सर्वम ठीक है ना ये सारा जगत को माप लेता है माप लेना मतलब जो भगवत भाव आपने बताया जगत जाथात्म्यम जानाति जो वस्तु जैसा है उसमें जो भाव यथार्थता जाथात्म्यम जगत की यथार्थता को यथा तथा भाव यथा तथा भाव जैसा है उस प्रकार में देख ये हो यथार्थता यथा तथा और उसकी भाव चाथात्म्य मतलब जो वस्तु जैसा है उसको उसी प्रकार से समझ निश्चित हो गए इसीलिए तो बोल रहे इसीलिए तो बोल रहे इस प्रकार से उपासना करते रहेंगे था क्योंकि आप उत्तम अधिकारी अयमात्मा ब्रह्म मध्यम अधिकारी स्वयमात्मा चतुष्पाद तृतीय अधिकारी अब फिर यहाँ पे आगे जाकर समय की इस पर इस प्रकार जो स्वयमात्मा अध्यक्ष अकार इस प्रकार से जो आया हुआ है इसकी विचार करते अंतिम उसका ज्ञान हो ही जाएगा इससे और कोई फल तो चाहता नहीं है लोग ही फल की तो अपेक्षा रखता ही नहीं है ये यही ज्ञान हो जाएगा विचार करते करते यही ज्ञान होगा और जब कार्य का पूरा पढ़ लीजिए इन तीनों का तब आपको ज्ञान अवश्यंभवी होगा अवश्यंभवी होगा हाँ भैया कार्य का बिल्कुल प्रतिज्ञा करें बोलिए इसी होगा ये जो है ना ये निर्भर करता है उसकी कैसे कैसे रूप होता है सबके लिए एक नहीं होता सबके लिए एक प्रकार नहीं होगा ये अपना आपकी प्रयास कैसा रहा वो इतना ही है कि आप इसी से सीधा सीधा हो जाएगी यहाँ पे ऐसा पता लगता है जैसे आपका अधिकारी भाव आ जाएगा आप अपने अधिकारित्व से ऊपर उठ रहे हैं मतलब एक विषय में लंबा समय तक विचार करने का कैपेसिटी आ रहा है केवल वो बोलना नहीं है उसके साथ आपका अ ऊ म तीन का अलग प्रकार की विश्लेषण आपका इस प्रकार की समानता इस समानता से क्या हो रहा है दैट यू हैव टू ऑब्जर्व इन योरसेल्फ यही तो फिर मध्यम अधिकारी का लक्षण में आ अपने आप ही आ जाएगा अपने आप ही आ जाएगा हमारे और एक चीज प्रोटोकॉल भी उनने वो बोला था नचिकेता जी हम अधम नहीं है अगर उत्तम या ये उत्तम अधिकारी क्यों नहीं वहाँ पे कहाँ पे बोले थे देखिए वो जो पिताजी ने मेरा आपको मिला देते हैं पिताजी ने मेरे को बोला कि जा तेरे को मृत्यु को दूंगा तब नचिकेता सोचने लगा कि अरे मैं तो इतना खराब विद्यार्थी नहीं हूँ बहुना में भी प्रथम बहुना में भी मध्यम किम शिष्य जमस्य कर्तव्य जन्मया अल्पृष्यते ऐसा बोला इसका ना आप वहाँ पे स्थान देखिए ना उसका पिता जब बोला मैं तेरे को मृत्यु को दूंगा ठीक है तब उसने सोचने लगा कि मैं तो अनेक शिष्य पिताजी के पास पढ़ने आते हैं तो मैं इतना खराब विद्यार्थी को नहीं हूँ कि पिताजी मेरे को जा तू मर जा ये इसीलिए वहाँ पे उससे का पे बोला है प्रत्येक स्थान का आपको समझना है और नचिकेता की उत्तम अधिकारी तो कौन निर्णय किया जमराज निर्णय किया जब उसका सारा प्रलोभन दिया और परंतु जन्म तब ही वह नित्य भी थे ये नचिकेता को उत्तम अधिकारी कौन है जन्म से ही उत्तम अधिकारी जन्म पूर्व जन्म में यदि सुकृति नहीं होता तो पिताजी एक जात जगति कर्म कर रहे हैं और उस बच्चे को कैसे पता लगना कि गलत हो रहा है छोटा बच्चा जिसको अभी तक मतलब बड़ी आइडेंटिफिकेशन नहीं आया उस बच्चे को पता लग रहा है कि पिताजी जो है कि अब गलत काम कर रहे हैं यानी कि जन्मांतर ने कितना काम कर रखा ताकि पिताजी को गलती कुछ पीछे तो पिताजी गुस्सा हो गया इस प्रकार अष्टावक्र ऋषि को पिताजी गलत पढ़ रहे हैं मातृ गर्भ से उसको पता लग रहा है कोई जन्मांतर की कुछ कारण बह गया होगा जिसके कारण से थोड़ा भूख करना पड़ता है इसीलिए आया है तो यही यहाँ से स्थान विशेष में था ध्यान रखना है किस प्रसंग में बोला जा रहा है मिला देंगे तो कभी कभी हमारे अंदर कन्फ्यूजन हो जाएगा स्थान विशेष को ध्यान रख के क्वेश्चन का देखना बिल्कुल स्पष्ट दिखने लग जाएगा विद्वत फल अभाव मिनोति हवा इदम सर्वम जगत यथात्म्यम जानाति मापना क्या हो गया जगत की यथार्थता को आप समझ जाए जगत की यथार्थता को समझ जाएंगे आप उसका स्पष्टीकरण देखना आगे बोलेंगे अपितिश्च और आप लय स्थान भी बन जाएंगे जगत कारणात्मा भवति ये कहीं होगा व्यवहारिक जगत में दिखाई देगा इस प्रकार उपासना करने वाले साधन करने वाले व्यक्ति को व्यवहारिक लोग अपनी समस्या को लेकर कहते हैं महाराज को बताओ
महाराज को बताओ ना, वजह की बात है, बोलते तो है बताओ ना। परंतु एक नेता, राजनीतिक नेता उसी महात्मा के पास गया, ना वो नहीं बोले। महात्मा के पास गया, बोलते नहीं महाराज को उपदेश करो। महाराज बोलता है उपदेश बाद में हो रहा है, महाराज तो जानते देख भी समझ गए। अरे उपदेश बाद ना हो, थोड़ा चाय चुप पी लेते हैं दोनों मिल करके बैठ गए। तो अच्छा सुंदर चाय बनाया, दो कप रखा जो जिसमें, तो कप भर गया फिर भी डर रहा है। तो वो बोल रहे हैं अरे इसमें तो भर गया, फिर डालेंगे तो उछल के बाहर आ जाएंगे। तो बंद करके थोड़ा अपने में भी डाला, फिर दोनों मिल करके चाय पिया। तो चाय पीना हो गया, तो वो नेता बोल रहे हैं कि महाराज को उपदेश करिए ना। बोलते हैं मैं क्या उपदेश करूँ, उपदेश तो आप ही ने कर दिया, तो आप ही ने कर दिया। हाँ ये जो आपने बोला, जो भरा हुआ में फिर भरेंगे तो उछल के बाहर आ जाएगा, वो तो सब पहले थोड़ा सा खबर है। बोलता हाँ, क्योंकि तुम्हारा मन ऑलरेडी प्री ऑक्यूपाइड विद द वर्ल्डली थिंग्स, इफ आई से समथिंग इट विल कम आउट, इट विल नॉट वर्क। यही चीज है, देखिए कितना सुंदर खामान व्यवहार की स्टार्ट से कितना सुंदर चीज समझा दे। हम सभी के हैं, हम जो जितना पहले से समझ लिया उससे जब तक बाहर नहीं आ पाएंगे तब तक थोड़ा मुश्किल पड़ते हैं। हमारा जो अहम है, हाँ वो परिचित अहम को ऊपर जितना हमने भर रखा ना, उसको बाहर निकाल दो तब अध्यापक तब परिचित चला जाएगा। हाँ ये मांडू को कार्य का समझना आपको ना बहुत मतलब सूक्ष्मता के साथ विचार करना होगा। क्या था शास्त्रों में क्या अधिकार आए हैं, अब धीरे धीरे चलते हैं इसलिए तुम भागते नहीं हैं। देखो भाष्य से पता लगता है, भाष्य टीका से पता लगता है। मिनतु हवा इदम सर्वम जगत जाथात्मम जानाति इति अर्थ अपि जगत कारणात्म भवति इति अर्थ। वो जगत का कारण रूपी मतलब क्या होता है, सबका आश्रय बन जाता है, लय स्थान होता है ना, दुखी व्यक्तियों का लय स्थान बन जाता है, सब उनके पास आता है। और ये बाद में व्यापकता में आएगा तो क्या हो जाएगा, पूरा सृष्टि मुझको मेरे ऊपर निकल जाएगा, ये ज्ञान हो जाएगा, अस्तित्व नहीं। ये हो गया आपका अत्र अवान्तर फल वचनम प्रधान स्थान स्तुति अर्थ। आप देखिए ये यहाँ पे आकर के भगवान भाष्कर रहस्य खोल दिए। ये जो अलग अलग जो है स्थान में अलग अलग फल कथन किया, ये अलग अलग फल कथन करने के लिए अभिप्राय से नहीं कहा, वो जो मुख्य फल है उसमें रुचि उत्पन्न करने के लिए उसको प्राप्त करने के लिए बोलता है अत्र अवान्तर फल वचनम। यहाँ पे जो अवान्तर फल वचन कहा, पहले में क्या बोला था कि पहले में क्या होता है आपका कि वो सर आपनोति सर्वान कामान आदिश्य भवति उसका उत्कर्ष से ज्ञान संतति। थर्ड में क्या बोला आपदिश्य भवति, ये अवान्तर फल आपको अभिप्राय नहीं है, हम तो आत्मज्ञान चाहते हैं, परंतु इसमें हमारा रुचि उत्पन्न हो और हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ पा रहे कि नहीं बढ़ पा रहे हैं वो अपने आप परीक्षा कर सके, इसलिए माइलस्टोन दिया गया है। ये माइलस्टोन है, साधारण जीवन में हमको बाहर कोई किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं है। जो इस प्रकार इतना करने से यहाँ तक पहुँचूंगा, इतना करने से यहाँ पहुँचूंगा, देखो पहुँच रहे नहीं पहुँच रहे, और कहीं नहीं अंदर ही अंदर के परिवर्तन, पूरा के पूरा मानसिकता के परिवर्तन ही तो साधन है। इसीलिए आप बोलते हैं अत्र अवान्तर फल वचनम, यहाँ पे जो तीन अलग अलग अकार उकार मकार के साधन करने से जो अलग अलग फल वचन कथन किया, प्रधान साधन स्तुति अर्थम ओंकार उपासना स्तुति के लिए कहा, ताकि आपको ज्ञान प्राप्त हो जाए, आपकी रुचि उत्पन्न हो। अब इसके ऊपर टीका देखिए, पूर्ववत एकत्व प्रयोजकम अत्रापि प्रश्न, एकत्व के प्रयोजक हेतु क्या है वो भी प्रश्न करके फिर उसको उपवर्णयन्ति, पूर्वकम उपवर्णयन्ति केन सामान्येन इति आह सामान्यम इदम अत्र। इस विषय में ये सामान्य है क्या है, अतः मानम एव विभिन्नोति मिते मिति मिते अर्थ कर दिया, मिति मिति मतलब मानव मापना, उसी को अर्थ करते हैं। मियते इव ही विश्वते यशो प्राज्ञेन, जैसे कि प्राज्ञ के द्वारा विश्व अर्थ यश को मापा जाता है, विश्व अर्थ यश। आप देखिए एक क्या सूक्ष्म वस्तु, जब आप अपने आप अपनी वासना अथवा अपनी मतलब जो भी कमियां हैं उसके बाहर आकर के अपने को देखते हैं, अपने अंदर अपने को देखते हैं, तो अब क्या होता है आपके अंदर की सारा कमियां आपके सामने खुल के सामने दिखाई देने लगती है कि नहीं। जो विवेकी व्यक्ति होता है हमारा क्या होता है, हमें अपने अंदर की कमियां हमको देखना सीखना है। तो क्या हो गया, अब हम धीरे धीरे अपने आइडेंटिटी इस प्रकार उस व्यक्ति में क्या कमी है वो मैं अलग कर, क्योंकि मैं उस अलग हूँ, मेरे को स्पष्ट दिखाई देते हैं, अपनी कमी हमको नहीं दिखाई पड़ती, हर व्यक्ति के लिए लागू है। अब ये उपासना करने का ये फल है, क्या फल होगा आपके सामने, ये स्थूल सूक्ष्म विषय मुख्य रूप से सूक्ष्म शरीर में क्या क्या वासना बैठे हुआ है, कैसे कैसे मेरे मन में वृत्तियां बदलते रहते हैं, वो देखने का अभ्यास हो जाएगा। ये हो गया महत्व,
ये हो गया मापना। मिलियते ईव ही विश्यते यशो, मतलब स्थूल व्यवहार में सूक्ष्म व्यवहार में ये कैसे आचरण करता है, ये आप अपने आप बैठ करके निरपेक्ष होकर अपने व्यवहार को देखें। मानव जो है उसमें मापना है मानव होते मनोहर अयम इति मानव, मनु के डिसेंडेंट है, मनोहर अयम इति मानव तद्धित वर मानव। तो यहाँ पे ये है मियते ईव मापना हुआ जैसा, मतलब बाहरी वस्तु नहीं है, बाहरी लेंथ मापते हैं वेट मापते हैं, ये मापना नहीं है। मापना क्या है, अपने अंदर की कमियों को माप लेते हैं, निरपेक्ष होकर के अपने कमियों को माप लेते हैं। तब क्या हो जाएगा, वो अपने आप ही वासना की उत्पत्ति भी लय भी उसी में मन में अपने आप लय हो जाएगा। मन में कोई वासना जागृत हुआ आपने देख लिया, ठीक है, मन में कोई वासना जागृत हुआ आपने देख लिया, देखने के बाद जैसे ही आपने विचार करने लगा तो लगा कि ये वासना हमारे लिए ज्ञान में प्रतिबंधक हो सकता है। अब क्योंकि आप उसको देख रहे हैं, अब वो समझ जाता है मन कि आप इज नॉट गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट, तब क्या हो जाएगा आपने आप मन में लय प्राप्त कर लिया, अपने आप ही मन में लय प्राप्त कर लिया। प्रलय उत्पत्ति प्रवेश निर्गमाभ्यम पृष्ठे नीव जवा, जिस प्रकार कि यव पृष्ठों के द्वारा यवों को मापा जाता है, अंदर जाता है बाहर आ जाते हैं, उसमें और भी क्या है इसमें पृष्ठ और यव अलग वस्तु है, समझ में आ रहा है आपको, सूक्ष्म और क्या चीज है, जिसके द्वारा मापते या जिस वस्तु को मापते हैं वो अलग है, ठीक है ना। तो विवेक और जो वस्तु को देख रहा है वो अलग है, मैं आपका गलती देखता हूँ इसी प्रकार यहाँ भी देखने लग जाएंगे, तो जैसे जैसे हमारे विवेक में शुद्धता आ जाएगी वो देखने लग जाएंगे, शुद्ध चेतन मतलब साक्षी रूप में जो है उसको आप देखने लग जाएंगे। ये अलग है उससे, मापने मापने वाला और मापने योग्य वस्तु से भिन्न भी होता है, ये भी निश्चय हो जाएगा। मानव एव विभिन्नति मीयते ईव हि विश्यते यशो प्राज्ञेन, ओम इति ओंकारस्य नैरंतरेण उच्चारण सति अकार उकारो प्रथम मकारे प्रविश्य पुनः तस्मात् निर्गच्छन्तो इव उपलभ्येते। मिला आपको, देखिए यहाँ पे कॉमा कर दे, ओम इति ओंकारस्य ओम ओम ओम, इस प्रकार बार बार ओंकार का नैरंतरेण निरंतरता के साथ, निरंतरता के साथ थोड़ा सा साइलेंट मात्रा में रुक सकते हैं, अभी बोलने के बाद थोड़ा रुक करके साउंड अंदर से मतलब फिर भाव से शुरू करें, इसलिए निरंतरेण उच्चारणे लगातार उच्चारण करते, उच्चारण से अभी जब हम ऐसा करेंगे अकार उकारु अकार उकार प्रथम मकारे प्रवेश, पहले मकार में प्रवेश हो गया जैसा, फिर पुनः दुबला तस्मिन निर्गच्छन्तो इव, वहाँ से बाहर भी आ रहा है जैसा, तस्मात् निर्गच्छन्तो इव वहीं से बाहर आ रहा है जैसा उपलब्ध थे, ऐसा उपलब्ध होता है, ऐसा उपलब्ध होता है। तेन इस कारण से मकारे तेन मकारे अभी मान सामान्य विधि वक्त, इस प्रकार से मकार में भी इस मान की सामान्यता, जिस प्रकार प्राज्ञ विश्व तेजस को मापते हैं इसी प्रकार मकार अकार उकार को मापते हैं, मापते मतलब उसके अंदर चले जाना फिर वहाँ से बाहर आना, ये मानना हुआ इस प्रकार जल के अंदर मतलब पृष्ठ के अंदर जाता है, ठीक है ना। तेन मकारे अभी मान सामान्य, इस प्रकार मकार में भी उस मान की मापने की समानता बैठा होगा, इति वक्त ऐसे यहाँ पे समझना चाहिए इति वक्त। अच्छा फिर यहाँ तक तथा ओंकार समाप्तो पुनः प्रयोग च प्रविश्य निर्गच्छत इव अकार उकारो मकारे, यहाँ तक हो गया। फिर अपी तेरवा अपी ती अपय एक ही भगवान तक इसको जाके लय प्राप्त करते हैं, एक ही भाव एव स्फोटयति, एक ही भाव एव स्फोटयति, उस एक भाव हो जाता है एक, उसको स्पष्ट करके कहते हैं भगवान भाष्य का क्या होता है, ओंकार उच्चारणे अंते अक्षरे एक ही भूतो इव अकार उकार, ओंकार उच्चारण भी लगातार करते जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि आपको अकार उकार मकार में लय प्राप्त किया, फिर वहाँ से बाहर निकल मतलब उसी में लय प्राप्त कर लिया, तभी जब वहाँ से बाहर निकल के आता है अकार उकार। मकार मकारव प्राज्ञे अपी तद असि तद अस्ति सामान्य विधि, इस प्रकार मकार में अकार उकार लय प्राप्त करता है जैसा, इसी प्रकार प्राज्ञों में भी अज्ञान को ही चेतन व्यस्ति अज्ञानों को चेतन में भी तद अस्ति मतलब क्या जागृत स्वप्न भी लय प्राप्त हुआ जैसा, तद मतलब अकार उकार के द्वारा अभिप्रेत जो जागृत स्वप्न अवस्था उसको बोला जा रहा है, इसलिए होता है यहाँ पे कि
मकारवत प्राज्ञ अभिकदस्ति सामान्य इतिहा तथा ठीक उसी प्रकार विश्व तेजसो सुषुप्ति काले प्राज्ञ एकीभूत हो विश्व तेजस के अंदर सुषुप्ति काल में प्राज्ञ में जा करके एक हो जाता है फिर वहाँ से निकालता भी है। उक्त सामान्य फलम आहो इस प्रकार से दो हुआ एक हो गया मितेर अपितेर वा तो मित मतलब क्या हो जाएगा माप आ जाता है अपितेर मतलब उसमें लय प्राप्त इस सामान्यता के फलस्वरूप भी अब तो सामान्य एकत्व मकार प्राज्ञ मकार इस कारण से भी प्राज्ञ मकार में एक रूप है। उक्त सामान्य फलम आहो अतो वा सामान्य एकत्व प्राज्ञ मकार हो। अच्छा अब क्या बोलते हैं सामान्य द्वय द्वारेण प्राज्ञ मकारयोर एकत्व ज्ञानम न अविवक्षितम फलवत्वात् इति आह। इस प्रकार से सामान्य द्वय दो समानता के माध्यम बना करके दो समानता क्या होगा मिते अपिते का ये दो समानता के माध्यम से प्राज्ञ मकारय प्राज्ञ और मकार इन दोनों का एकत्व ज्ञानम इसका एकत्व ज्ञान ये जो क्या न अविवक्षित ये अभिष्ट नहीं है ये बात नहीं है ये अभिष्ट है क्यों इस फलशाली है ये फलशाली क्या हो जाएगा आपकी जगत की यथार्थता समझ में जगत की यथार्थता समझ में आ जाएगी। इसलिए बोलते हैं फलवत्तम इति आह। आप देखिए आप सामान्य क्या हो जाएगा जब जो वस्तु जहाँ से उत्पत्ति होती है वहीं पर लय प्राप्त करते हैं आप जब परमात्मा में उत्पत्ति लय प्राप्त करेंगे तो परमात्मा से उत्पत्ति भी होगा। हमारे पास यहाँ पे अब जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण एक परमात्मा ही है तो उपादान कारण जहाँ से उत्पत्ति होती है उपादान कारण सारा सृष्ट वस्तु में रहेगा तो क्या हो जाएगा सारा सृष्ट वस्तु आपको परमात्मा ने कारण है कई चीज छुपा हुआ रहस्य या अनुमान आपको एक ही इसमें से समझ में आ जाएगा कि आप इसी बोलते हैं सामान्य द्वय दारे न प्राप्त मकार एकत्व ज्ञानम न अविवक्षित फलवत्ता के फलशाली होने के कारण की आह विद्वत फलम अहो इस प्रकार उपासना के फल चिंतन का फल क्या होता है अविदिशु अपि जगत विषय ज्ञानम अस्ति। आपने बोला जगत का ज्ञान हो जाएगा अरे अज्ञानी व्यक्ति को भी जगत का ज्ञान है ज्ञान का ज्ञान बोलते भिन्नता ही है वो जगत के नाम रूप को सत्य दिखता है और ज्ञानी उसके सत्ता को सत्य दिखता है ये भिन्नता है नाम रूप व्यभिचारी मिथ्या दिखता है दिखता प्रतियोमान जगत दोनों के लिए बराबर है ज्ञान अज्ञानी अज्ञानी दोनों के लिए है प्रतियोमान अज्ञानी के लिए कहता है नाम रूप में सत्य तो ही में व्यवहार अज्ञानी के लिए कहता है नाम रूप मिथ्या और उसका अधिष्ठान को सत्य भाव इसलिए बोलते हैं कि अविदुषु अपि जगत विषय ज्ञानम अस्ति अज्ञानी को भी तो जगत विषय ज्ञान है यदि आशंका विशेषि हाँ है हम निषेध नहीं करते हैं परंतु हमें विशेषता है क्या विशेषता है जगत यथात्म जानते जगत की यथार्थता को जानते हैं तो जगत की यथार्थता को नहीं समझते। आप सामान्य मैं बोलता हूँ आपने देखना आपका कोई पुराना मित्र है वो आपके आप पहले उसके साथ रहे अब मान लीजिए 20-25 साल बाद जाके मिले उनकी जगत को देखने के दृष्टि और आपकी जगत की देखने आप उसके साथ बात करके पता लग जाए कैसे बोले इस साधन का फल आपको क्या नहीं हुआ यहाँ आपको अभी पता नहीं लग रहा है परंतु आप अपने कोई पुराने मित्रों के साथ अचानक मिले अब देखिए उनको जगत संबंधित बात अथवा दृष्टिकोण के कैसे दिखते हैं और आपका भावना क्या है तब आपको पता लगेगा कि आपका साधन में क्या लाभ हुआ क्या नहीं। तो इसी के हमें बोलते हैं ये दोनों अज्ञानी और ज्ञानी की जगत वही है परंतु दृष्टिकोण पूर्ण बदल जाता है देखना व्यवहार सब बदल जाता है। तो इसलिए हमें बोलते हैं कि जगत जातात्म ज्ञान अभी जो अविदुषु अपनी जगत विषय ज्ञान नमस्ते आशंक विष्णु से जगत जातात्मित तद जातात्म च अव्यकृतत्व प्रलय भवनम अनिष्टत्व न फलमिति आशंक अह बोलते क्या बोलते हैं इसके जगत कारणात्मा भवति बोलते हैं उसकी यथार्थता जो क्या होता है एक नंबर टिप्पणी है वहाँ पे अव्यकृतत्व है अंतर जगत की यथार्थता जगत पहले मूल का अव्यक्त था अब यहाँ पर टिप्पणी कर बोलते हैं अव्यक्त परिणामवाद पक्षे मायात्म वेदांत में माया को माया की परिणाम जगत है विवर्तवाद पक्ष या चैतन्यात्मकत्म अव्यक्त के चैतन्य विवर्तवाद पक्ष में जब मानेंगे तो शुद्ध चेतन ही है और कुछ नहीं है तब माया को माया हुआ कुछ नहीं है परिणामवाद में माया माया का परिणाम लेकर हम वेदांतियों में भी तो कोई ईश्वर से जगत उत्पत्ति मानते हैं हम क्या वेदांती तो मायावाद को मानते हैं मैं तभी तो बोल रहा हूँ उसको मैं कब पर वेदांती मायावाद को नहीं मान रही मैं नहीं बोल रहा हूँ
वेदांती मतलब ईश्वर को सगुण साकार भी मानते हैं, निर्गुण निराकार रूप में भी मुख्य है, सगुण साकार रूप में जगत के शिष्ट सीधे प्रलय करता है मानते हैं उसको, परंतु अभिन्न निमित्त उत्पन्न कर रहे हैं, अभिन्न निमित्त उत्पन्न कर अपनी शक्ति माया शक्ति से ही उत्पन्न करते हैं, इसलिए परिणाम बाद में माया जगत माया की परिणाम ब्रह्म की विवर्त ऐसा है ना, इसलिए बोलते हैं परिणाम बाद पक्ष मायात्म विवर्तवाद पक्ष चैतन्यात्मक विवर्तवाद पक्ष क्या हो जाएगा, एक चेतन अव्यक्त शुद्ध चेतन अव्यक्त प्रलय भवनम जो है प्रलय का आश्रय जहाँ पे प्रलय रहता है प्रलय भवनम और अनिष्टत्व अभी हमारा अविष्ट नहीं है न इसलिए ये फल नहीं है ऐसा कोई शंका करता है बोलते ऐसे बात नहीं है, क्या दिखेंगे आपको जगत कारणात्मा भवति जो भी जगत दिखाई पड़ रहा है ना उस सबके पीछे कारण मेरा प्रश्न है, ये इस प्रकार समझ में लग जाए अभिप्रेत है तत्र तत्र अब जो बोलते हैं एकत्व ज्ञाने फल भेद कथनात् उपासना भेदम आशंका अंगेषु फल भेद श्रुते अर्थवादत्वम उपेत आह, अब जिस प्रकार से आपका दस पूर्णिमा जाग है वो मुख्य जाग है वो तो मुख्य जाग में आपका अनुजान भी है प्रयाग भी है तब ये अंग है उस अंग का कुछ फल कथन भी करते हैं परंतु उस अंग का फल कथन अर्थवाद होता है ताकि आप इसको मुख्य जाग को छोड़े नहीं साथ में इसको भी करें तो एक एक आपको अच्छा फल मिले, मुख्य उपासना अंग ओंकार है और उसका एक अंग रूप में इसको कहा गया है इसका फल में आप ध्यान मानते हैं आपको तो ओंकार की यथार्थ तो समझना है, इस अभिप्राय से बोल रहे हैं ये कोई भिन्न उपासना नहीं है एक ओंकार का ही उपासना है, तत्र 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 तो मतलब अकार उकार मकार तीन अलग अलग उपासनाओं में एकत्व ज्ञान फल भेद कथन आप अकार के साथ तत्त्व करेंगे एक फल उकार के साथ तत्त्व करेंगे एक फल मकार के साथ एकत्व चिंतन करेंगे उसका अलग फल अलग अलग आपने फल कथन किया तो अलग अलग उपासना हो गया ऐसे कोई मानते हैं तो बोलते हैं तत्र तत्र एकत्व ज्ञान फल भेद कथनात् उपासना भेद आशंक कोई उपासना का भेद हो गया ऐसा शंका होने पर उठा करके अंगेषु फल भेद श्रुते अर्थवाद ये जो अंगों में जो फल का विशेष कथा के कथन किया ना ये अर्थवाद है स्तुति है ये मतलब आपको रुचि उत्पन्न करने के लिए मध्यम अधिकारी को भी कैसे ज्ञान हो जाए इसीलिए वहाँ पे ऐसा कथन करते हैं, परंतु उस फल के प्रति ध्यान देंगे तो क्या लौकिक फल के प्रति ध्यान देंगे मैं लोक व्यवहार में मैं प्रथम हो जाऊँगा अथवा मेरा ज्ञान सत्य भी चलता रहेगा इस प्रकार सब मेरे आश्रय में रहेगा इस प्रकार इस फल में ध्यान देंगे तो फिर आपको ज्ञान मिल जाएगा क्योंकि परिचित में चिंतन कर रहा हूँ इसीलिए बोलते हो अभावतर फल है रुचि उत्पन्न करने के लिए मतलब वहाँ से ऊपर उठा वो वहाँ भी इसलिए बोलते हैं तत्र तत्र एकत्र ज्ञान फल भेद कथना उपासना भेद आशंक्य अंगेशु फल भेद श्रुते अर्थवाद भी अर्थवाद रूप है इसको मान करके अभी कहते हैं अत्र अवान्तर फल वचनम प्रधान साधन स्तुति अर्थात प्रधान साधन आत्म साक्षात्कार ओंकार उपासना के माध्यम से इसी शरीर में आत्म साक्षात्कार ब्रह्म लोक में जाके नहीं इसीलिए यहाँ पे एक आते करें यहाँ पे दो नंबर टिप्पणी दिखाई पड़े अंगेशु विशिष्ट उपासना अंगभूत विशिष्ट उपासना कौन है ओंकार उपासना उसका अंग रूप है विश्वादि पाप उसका अंग रूप है विश्व तेजस प्राज्ञ और अकार उकार मकार पाद अकारादि प्रणव मात्र उपासना से क्या तो एक ओंकार नहीं ओंकार का तीन मात्रा में तीन पाद आ जाता है इस प्रकार देखिए ये तीन पाद आत्मा मुझसे कोई भिन्न वस्तु नहीं है मेरा ही तीन अवस्था है इसी प्रकार ये तीन मात्रा ओंकार से कोई भिन्न वस्तु नहीं है ओंकार का ही उच्चारण का ये मतलब अभिप्रेत करने के तरीका को बताया गया है वो विचार लेते तीन अलग अलग उपासना नहीं है उसका अंग में फल इसलिए कथन किया आपको एक एक करके क्योंकि अंग उपासना का क्या फल है कैसे आप उपासना करेंगे क्योंकि जो मंत्र में कहा कारिका का उसको विश्व भी उससे भिन्न कुछ विशेष चीज को बताया गया आपको हाउ टू इम्प्लीमेंट ये उपासना कैसे करेंगे इसीलिए उससे क्या है ये अवंतर फल को छोड़ करके मुख्य फल के आत्मज्ञान कैसे हो जाए उसके लिए प्रयास करने के लिए बोलते हैं यहाँ पे कि तत्र तत्र एकत्र ज्ञाने फल भेद कथना उपासना भेद आशंक अंगेशु या जो अंगेशु को पट्टी मैंने विशिष्ट उपासना अंगभूत विशिष्ट ओंकार उपासना के अंग रूप मतलब शेष शेषी बोलते हैं अंग रूप अथवा अंग रूप में विश्वादि पाद अकारादि विश्वादि पाद विश्व हो गया हमारा पाद और अकारादि हो गया मात्रा अकारादि प्रणव मात्रा जो ओंकार की मात्रा है उपासना सु अंगेशु अर्थ इसमें ओंकार एक ही है उसका ये मात्रा हो गया इसके फलभेद क्या हो गया कि प्रधान साधना की स्तुति के लिए
ओंकार की जो ओंकार उपासना है मुख है, छोटा छोटा फल बोल दिया कि वहाँ से शुरू करना होगा आपको, फिर बाद ओंकार चिंतन मुख्य तो आत्मा क्या होता है उसे सुन। अब यहाँ पे देखिए टीकाकार संदेश को समझा रहे, पादानाम मात्रानाम च क्रमात् एकत्व विज्ञाने फल कथनम सर्वान पादान मात्रान च सर्वा स्वात्मनि अंतर्भाव्य। यहाँ पे पता करते ये हो गया आपका आनंद गिरि जी का विशेष समझाना। क्या करा पादाना मात्राना कितना पाद है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति एक पाद, मात्रा कितने तीन है, अकाल उदार मकान, पादाना मात्रा क्रमा एकत्व विज्ञानी क्रम से अपने एक एकत्व जानते हैं कि अकार के साथ, अकार के साथ जागृत अवस्था, उकार के साथ स्वप्न अवस्था और मकार के साथ इसका अवस्था सुषुप्ति अवस्था है। एकत्व विज्ञानी फल कथन, इसका फल कथन क्या है, सर्वान पादान समस्त पादों को, ठीक है द्वितीय बहुवचन है, समस्त पादों को मात्राश्च सर्वे भी द्वितीय बहुवचन है, ये प्रथम बहुवचन नहीं है, समस्त मात्राओं को भी केवल रमा रमे रमा रमम रमे रमा द्वितीय बहुवचन है, सर्वान पादान मात्राश्च सर्वा स्वात्मनि अंतर्भाव्य सब अपने में सुख एक ही शुद्ध चेतन मुझ में जाकर स्वप्न सुषुप्ति तीन ये चल रहा है, एक ही ओंकार भी मुझ में ये तीन मात्रा कारो कर्म का अपने में, अपने में चिंतन करना, ये उद्योग प्रश्न। इसलिए मादान पादाना मात्रा चक्रमा एकत्व विज्ञाने फल कथनम यह सर्वान पादान मात्रस्थ सर्वा स्वात्मनि अंतर्भाव्य अपने अंदर चिंतन करें। प्रधानस्य ब्रह्म ध्यानस्य साधनम मुख्य रूप से ब्रह्म का ध्यान ओंकार अवलंबन करके ब्रह्म का चिंतन करना ध्यान करना यही साधन है। यद ओंकाराख्यम अक्षरम ये ओंकार नामक जो अक्षर है ना, ओंकार नामक जो अक्षर यही बोलते हैं तस्य स्तुतो उसकी स्तुति में उपजुज्यते ब्रह्म उपासना की, यदि स्तुति नहीं बोलेंगे ना लोग रुचि उत्पन्न करने के साधक के मन में रुचि उत्पन्न करने के स्तुति कहा जाता है उपजुज तीन छवि कमल इसको फल ना तो स्तुतो उपजुज्यते तीन छदेव एक उपासना, इससे क्या हो गया एक ओंकार उपासना ही मुख्य है यहाँ पे, और यही ब्रह्म है यही मेरा स्वरूप है, ये ओंकार ही व्यापक है यही सृष्टि स्थिति लय करता है यही मेरा स्वरूप है। इसलिए बोलता है तीन चार इस प्रकार सबको अपने में लय प्रक्रिया को सिखाने के लिए बताया तीन चार तदेव एक उपासना भी एक उपासना हुआ इतर से तद अंग अन्य जो अकार उकार मकार को जो चिंतन करने के लिए उसका अंग होने के कारण उपास्ति भेद न उपास्ति भेद करता, इसलिए आपकी उपासना में भेद करने वाला कोई कारण नहीं है कि तद एव एकम उपासना इस प्रकार से सम्मिल करके एक ही उपासना है। लंबा समय तक केवल आपको ओम ओम केवल मंत्र जप करने के लिए होता मन धर्म का भाग किया उस दिन बाद, परंतु आपको यदि एक धारा मन में इसके ओंकार मंत्र ओंकार अकार मंत्र जागृत जागृत हमारी मतलब मैं अहंकार हमारी वासना वासना जागृत तीनों आपको दिखाई दे कुछ देर तक अब मैं इससे भी देखने वाला अहंकार को भी मैं देखता हूँ अहंकार को भी मैं देखता हूँ इस प्रकार चिंतन करते करते जैसे मन दूसरे जगह पर जगह जाने चाहेगा ना तुरंत आपको सुषुप्ति में ये जन्म स्वप्न में आ जाएगा। अब केवल बाहरी जगत को चिंतन छोड़ कोई एक पर्टिकुलर वासना को लेकर के कोई एक पर्टिकुलर बात जो आपको मन को बहुत अच्छा लगता है उसको पकड़ लें, क्योंकि मन अच्छा वस्तु को पकड़ के रखना चाहता है। मन की भगवान ने मन को बहुत अच्छा बनाया साधन के लिए अनुकूल बनाया एक बहुत अच्छा गुण दिया मन को क्या जिसके प्रति मन की प्रेम हो जाए मन उसको जो है पकड़ के ही रखेगा छोड़ेगा नहीं। ये अगला वाला में दिखाएगा भगवान के प्रति प्रेम कैसे आ जाएगा बताएंगे उत्कट है भगवान के प्रति प्रेम स्पष्ट हो जाएगा आपके पास चिंतन के द्वारा। अब जब मन ये निश्चय कर लेगा मतलब कोई एक अच्छी घटना को आप मन में लाओ उसका चिंतन करने लग जाओ तब अब क्या हो जाएगा जागृत में बैठ कर स्वप्न अवस्था में फिर मन भागने लगना चाहते तो उसको भी छोड़ वो जो चिंतन के फल स्वरूप आपके अंदर जो आनंद की खुशी की अनुभूति हो रहा है उसको अनुभव करने का कोशिश करो तो आप सुषुप्त अवस्था में आ जाएंगे जागृत में बैठ करके और उस आनंद की अनुभूति जो आपको विषय रूप में आ रहा था वो विषय भाव को छोड़ करके यही मन छोड़ ये धीरे धीरे वो क्या होगा वो आप बता नहीं सकेंगे उसको आपको डर भी लग सकता है आप घबराहट भी हो सकता है। माने जागृत में बैठ के सुषुप्ति को जाना यही है तुरीय अवस्था यही है साधारण तुरीय अवस्था यही है जागृत में बैठ करके जब हम सुषुप्ति का अनुभव कर लेते हैं दैट इज द हाईएस्ट स्टेज।
तो उसी में आपको बोलना है कि इसलिए यहाँ पे कई ओंकार उपासना मुख्य है। यहाँ पे प्रधानस्य ब्रह्म ध्यानस्य साधनम जब ओंकार आत्म अक्षरम तस्य स्तुतो उसकी स्तुति में इसका उपयोगिता है तेनो च इसके फलस्वरूप तदेव एक उपासना यहाँ पे एक ही उपासना को कहा गया। इतर समतवाकार उकार मकार में कहा गया तथा अंगत्ता उसके अंग होने के कारण अंगत न उपास्ति भेदकत्तम इति अर्थ रात उपासना में भेद नहीं है न उपास्ति भेदकत्तम इति अर्थ इसका भी प्रयोग है। इस प्रकार से जो है ये तो समाप्त हो गया। चाहता था कि अस्थोड़ा से तो समय हो गया। अत्र एते श्लोका भवन्ति है इस विषय में मतलब जहाँ तक आठ दस नौ दस ग्यारह तीन मंत्र के ऊपर अब मन को कार्य का कार्य बोलेंगे आपको मतलब तो बहुत अच्छा चीज यहाँ पे समझते हैं। तो टीकाकार बोल रहे हैं देखिए पादानां मात्रानां च जप एकत्वं स निमित्तं श्रुत्या उपन्यस्तं तत्र श्रुत्यर्थ विवरण रूपान पूर्ववत एव श्लोकान अवधारयति। पत्रिका क्या बोला था तो पहले हमने बोल कर रहेगा श्रुति ने जिस विषय को बताया उसके अंदर छुपा हुआ रहस्य है वो मांडव कारिका को कहा जाता है। कारिका को कहा जाता है इसलिए बोलते हैं पादानां मात्रणम च एकत्वं सन्निमित्तं पादों के साथ मात्रा की जो एकत्व है जो निमित्त के साथ श्रुति के द्वारा यहाँ पे रखा गया है उपन्यस्तं तत्र श्रुत्यर्थ विवरण रूपान इस श्रुति की पे छुपा हुआ अर्थ है उसको विस्तार करने के लिए पूर्ववत पहले जैसा क्या है क्या श्लोका निर्माण कारिका को यहाँ पे अवतार अवतार अवतरण करते हैं। अत्र एते श्लोका भवन्ति इस विषय में जो अकार उकार मकार को विचार कैसे करेंगे कैसे आपको उपासना होगा इस विषय में अन्य को कारिका का आपको कुछ पहले सुनते हैं। सामान्य में देखिए इसको छोड़ करके छोटा नहीं होता जैसे हम बोलते हैं अविद्या अविद्या मतलब क्या होता है अविद्या मतलब हाँ विद्या के निषेध अज्ञान मतलब मतलब अमानविकता मतलब मानविकता का निषेध ब्राह्मण व्यक्ति है पर ब्राह्मण है मतलब क्या ब्राह्मण का निषेध। तो यहाँ पे विश्वस्य अत्व विवक्षाया जब बोलेंगे यहाँ तो ओंकार में अकार है क्या अभिप्राय है यहाँ पे श्रुति के अकार दिखाने का निषेध करना सीखो। ये चीज जो है भंड को काय कर दे रहे हैं थोड़ा सा मतलब हिंस मैंने दिया कि अकारी का कार्य क्या कहने जा रहे हैं इसको थोड़ा सा समझने अकार यहाँ पे ओंकार में जो अकार मात्र है वो निषेध निषेध को सिखाता है ना ना आप बताओगे आपको किसको कौन आपको बंधन के हेतु उसको निषेध करोगे। आपका बंधन का हेतु क्या है जो बंधन का हेतु है उसको निषेध करने के लिए बोलते आप मुक्त होना चाहते हैं आपका लक्ष्य है तो आपको शास्त्र निषेध करता है कि निषेध में नहीं ऐसा नहीं है तो क्या निषेध करोगे। ये जो अपनी जीवत्व और शरीर में चेतनता इन दोनों में निषेध आएगा ठीक है कल करेंगे यहाँ फोन आने लग जाते हैं। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति 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 शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरावेदे मूर्तिभेदविभावये व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति अंतिम श्लोक पढ़ा थर्ड वाला
श्रुताराम श्रुति शमिनय प्राप्तिरग्रहयमोहा तत्पादौ पावनीयौ भव भयविनदौ सर्वभावेन नमस्ते।